हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें दो दिन के क्लिप्स इंक्लूडेड हैं। एक है शाम का, वीकेंड का ही व्लॉग है बेसिकली। तो प्रीवियस डे शाम का हम लोग गए थे बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए। घर में बहुत बोर्डम हो रहा था। और जो आधा व्लॉग है वो अगले दिन का है, संडे का। तो संडे मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और हेयर कट कराया था हम चारों ने ही, तो बाकी दिन में जो सब जैसे हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये है प्रीवियस डे की क्लिप्स। हम लोग निकले थे घर से बाहर। एक्चुअली घर में कई दिन से, जब से मम्मी पापा और गौरव प्रियंका वापस गए हैं, कुछ मनसा नहीं लगता। ज़रा सी भी देर घर में शांति सी हो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना खाली खाली घर हो गया है। शायद रूटीन में वापस आते आते वक्त लगेगा, इसलिए हम लोग बाहर चले आए थे थोड़ी देर के लिए। और आप देखिए कितना जो क्रिसमस का जो माहौल है हर तरफ दिखने लगा है, हर जगह डेकोरेशन शुरू हो गई है। और ये रेनडियर, सेंटा, ये रेड कलर मेरे बच्चों का तो बड़ा फेवरेट है। देख कर ना क्रिसमस की जो डेकोरेशंस होती हैं, एकदम फील आता है कि हाँ, फेस्टिवल इज़ अराउंड द कॉर्नर। लास्ट ईयर भी क्रिसमस पे मैं व्लॉगिंग कर रही थी, तो उस व्लॉग में मैंने आपके साथ दो रेसिपी शेयर की थी, आप चाहें तो चेक कीजिएगा। उसमें एक केक था, तो मावा केक था इनकेस यू आर इंटरेस्टेड। और शहर भर में कितनी रौनक लगी होती है वो भी मैंने शेयर किया था। इस बार भी अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ कितना सुंदर वडोदरा सजता है क्रिसमस के दिन। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं टाइम जोन। हम लोग आए इस मॉल और टाइम जोन ना जाएं, ऐसा शायद 10 में से 9 बार तो नहीं होता है। और ये डॉगी पिक करने के लिए शर्मा जी ने, खुशी ने, शानू ने, सबने ही ट्राई किया। हर बार उठता था वो, लगता था अभी निकल ही आएगा, पर एक बार भी नहीं निकला। उसके बाद दो चार इधर उधर के गेम और खेले। शर्मा जी ने गेम नहीं खेले क्योंकि उनके शोल्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बस वो बेसिकली बच्चों को ही घुमा रहे थे। मैं ये सब गेम्स उतना खेलती नहीं हूँ, मुझे जाने क्यों इंटरेस्ट नहीं आता उस सब में। मुझे सिर्फ देखने का शौक है किस तरह उन लोगों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, उनका एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है और फिर बाद में जीतते हैं, हारते हैं, तो उस चीज़ का जो इमोशंस उन लोगों के चेहरे पे आते हैं, मुझे वो देखना पसंद है। और सामी खुशी ने जो क्रिस्टल जीते थे ना, उसके थ्रू खुशी दुनिया देख रही है, उसे दुनिया बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। वो मुझे भी बोल रही थी बार बार, मम्मा इसके थ्रू दुनिया देखो, बहुत अच्छी लग रही है। बाय द वे, इसके बाद ये है संडे मॉर्निंग की क्लिप। ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने अच्छा वाला, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी, आप बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो मैं बनाने लगी थी पराठे साथ में एक चटनी, तो पहले चटनी बना लेते हैं। मैंने लिए है दो टमाटर,
एक हरी मिर्ची और सिर्फ एक ही गार्लिक का टुकड़ा, और इन सबको इस तरह जाली रख के मैंने भून लिया है। सीधे सीधे फ्लेम पे भी भून जाते हैं ये, पर जाली पे एक साथ सारी चीज़ें एक ही बर्नर पे हो जाती हैं, इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए इन चारों चीज़ों को भून लिया है। जब आप टमाटर भूनते हो तो उसका जो छिलका है वो फट जाता है, ऊपर की स्किन लगभग सारी ही जल जाती है, लेकिन आपको इसे भूनना इस तरह से है कि ये थोड़ा पक भी जाए। एकदम फटाफट फुल फ्लेम पे करके इसको जला मत दीजिएगा, आपका जो टमाटर है वो थोड़ा पकना चाहिए। तो जब तक वो सब कुछ ठंडा हो रहा है मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा प्याज वगैरह चॉप कर लूँगी, प्याज मुझे पराठे में भी डालनी है और चटनी में भी डालनी है, तो प्याज मैंने दोनों के हिसाब से ले लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च पराठे के लिए चॉप कर दिया है मैंने, और ये धनिया चटनी और पराठा दोनों के लिए चॉप कर रही हूँ मैं। एक हरी मिर्च जो मैंने टमाटर के साथ भूनी थी उसको साफ करके चॉप करूँगी मैं चटनी के लिए, तो चटनी के इन्ग्रीडियंट्स अलग ही हैं। अब ये सब कुछ अच्छे से ठंडा हो गया है ना, तो अब मैं इसके छिलके उतार लूँगी। ऐसा बहुत छिलका इस पर है नहीं, ज़्यादा करके तो जल ही गया है, पर जितना भी है वो हटा लीजिए, और टमाटर की ये जो आँख जैसी होती है ना इसको निकाल दीजिएगा। तो जितना भी आपका टमाटर लहसुन और हरी मिर्च आप साफ़ कर पाते हैं हाथ से उतना साफ़ कर लीजिए। इसको धोने वोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये कालक हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक अच्छा टेस्ट आता है। बस मैक्सिमम हाथ से जितना आप साफ़ कर सकते हैं साफ़ कर लीजिए। तो जो लहसुन भूना था उसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी इस तरह से, ये हो गया लहसुन तैयार। और जो टमाटर है ना उनको हाथों से ही फोड़ लीजिए, इसे मिक्सी मत कीजिए, ये थोड़ा सा चंकी रहता है तो अच्छा लगता है। मिक्सी करके क्या है एकदम पेस्ट हो जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह हाथों से ही फोड़ लें, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पक चुके हैं ना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, उंगलियों से आराम से ये मैश हो जाएगा। और जो आपने मिर्च भूनी थी उसे चॉप करके चटनी में डाल दीजिए, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए और थोड़ा सा धनिया, और बाकी जो इसके मसाला पोर्शन है वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। ये चॉपिंग और क्लीनिंग का जो काम था मेरा वो हो गया, इसे अभी मैं रखूँगी एक साइड में और बाकी तैयारी करती हूँ। तो एक बर्तन में मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू, और मैं बना रही हूँ आलू पनीर और चीज़ का पराठा, एकदम यूनिक सा है, बहुत यम्मी लगता है, बनाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। उबले हुए आलू मैंने मैश कर लिए, और ये मेरा होममेड पनीर है इसलिए बहुत ज़्यादा ही मलाईदार लग रहा है। तो आलू जितने थे लगभग उतना ही पनीर मैंने ले लिया है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जितने चाहे आलू पनीर और चीज़ का आप अपने हिसाब से प्रोपोर्शन रख सकते हो। मैंने जो लिया था वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आलू के बराबर मैंने पनीर ले लिया था, और इसको एक बार अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, इसमें फिर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, और इसको है ना थोड़ा सा बारीक ही कर लीजिएगा। आप देखिए मैं इसे कितनी अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये हमको जो ढेले होते हैं ना जो पीसीज आते हैं ऐसा नहीं चाहिए, एकदम फाइन सा आप इसे बना लोगे तो पराठे बनाने में इजी रहेगा। तो दो प्रिपरेशन मेरी आधी आधी हो चुकी हैं, मैं पहले आटा गूंद के रख दूंगी क्योंकि आटे को ना रेस्टिंग टाइम चाहिए, और जो पनीर में है चीज़ है उसमें नमक डालने के बाद आप उसे रेस्ट करने नहीं दे सकते हो, आपको तुरंत पराठे लगाने पड़ेंगे, इसके लिए मैंने उसे अभी छोड़ दिया। अभी आटा करूंगी, आटा गूंदने के बाद ये रेस्ट लेगा, मीनवाइल मैं बाकी जो चटनी और जो स्टफिंग है उसको फाइनली तैयार कर लूंगी बाकी मसाले मिलाकर। चटनी में मसाले कर लेते हैं, आपको ऐड करना है इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, दोनों दोनों नमक डाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा, कहीं ज़्यादा नमक ना हो जाए, भुना हुआ जीरा का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची और नींबू, अगर आपको लगता है आपको ये ज़्यादा खट्टी करके अच्छी लगेगी तो थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, और बहुत यमी लगती है यार ये चटनी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्याज टमाटर ही तो है, पर आप जब खाएंगे ना तो आपको फ़र्क महसूस होगा, बहुत अच्छी लगती है, और पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, राइस के साथ भी आप इसे बना सकते हो। तो चटनी हो गई तैयार, इधर जो स्टफिंग है इसको मसाले कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ थोड़ा सा मैगी का मसाला, जो मसाला ये मैजिक आता है ना मैगी वाला, थोड़ा सा वो डाला है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है, और मैं इस्तेमाल करती हूँ केया की पिज़्ज़ा सीजनिंग, बहुत से क्वेश्चन मुझे आ रहे थे ब्रांड बताने के लिए, तो थोड़ा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स के जगह पर जो नॉर्मल सीजनिंग आती है ना मिक्सचर वो डाल सकते हो, और नॉर्मल मिर्ची डाल सकते हो,
इसके बाद जो मेरे पास चीज़ रहता ही है वो थोड़ा मैंने चीज़ ऐड किया है, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया मिला दिया है। आप चाहें तो जो चीज़ है ना वो प्रोसेस भी ले सकते हो, जो अमूल का नॉर्मल चीज़ मिलता है कहीं पर भी वो ले लीजिए। और इसमें मैंने ना 2 क्लोव्स लहसुन की पीस करके डाली हैं, ज़रा सा गरम मसाला ऐड किया है, और ना लहसुन इसमें ऑप्शनल है, आपको लगता है आपको अच्छा लगेगा तो डालिएगा, आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा, पर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा धनिया का पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड किया है। इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड नहीं किया है क्योंकि चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद मैंने ऐड किया इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, और अब इसकी एक अच्छी सी स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए। और ये स्टफिंग बहुत आसानी से बन जाती है, स्टफ़ भी बहुत आराम से हो जाती है, और इसके पराठे ना माइंड ब्लोइंग लगते हैं। आप ये जो नाश्ता है पराठे हैं ये बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, रात को ये स्टफिंग बना के रख लीजिए, ये फैलती नहीं है, लूज़ नहीं होती है, आप फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आप बड़े आराम से इसके पराठे बना पाएंगे। और मैं कई बार कह चुकी हूँ इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, एक बार आप बनाओगे ना तब आपको यकीन आएगा। बहुत ज़्यादा जो वो नहीं आता मकैन के नगेट्स नहीं आते हैं पोटैटो नगेट्स, उसके जैसा इसका टेस्ट लगता है, मैं तो कहूँगी उससे भी बेहतर लगता है। उसमें तो सिर्फ आलू का ही स्वाद आता है, इसमें प्याज है, पनीर है, बहुत यम्मी लगते हैं। आप एक बार बनाना, और आप जो बनाएंगे उसकी फ़ोटो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना। और बस फाइनली इसको पराठा का शेप दे देंगे। आटा जो हमने लगाया था, आटा थोड़ा सा बहुत लूज़ तो नहीं पर बहुत सख्त आटा नहीं लगाना चाहिए पराठे के लिए, वरना बेलना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो थोड़ी सी थिक सी यहाँ पे रोटी बना के इसमें खूब सारी सी स्टफिंग भर लीजिए, बहुत मस्त लगता है। और फिर इसको बस लॉक करके जिस तरह पराठे बेले और सेके जाते हैं उस तरह से आप इन्हें बेल और सेक लीजिए, और इसको बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आराम से फैल जाता है ये। सिर्फ एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि कोशिश कीजिएगा कि इन पराठों में से आपकी स्टफिंग झांके नहीं, थोड़ा मोटा मोटा ही परत रखिएगा, क्योंकि अगर पराठे इधर उधर से फट जाएंगे ना और स्टफिंग झांकने लगेगी तो पराठे सेकते वक्त चीज़ पिघल पिघल के उन सब जगहों से निकलने लगेगी और आपका पराठा भी गंदा हो जाएगा, तवा भी गंदा हो जाएगा, और इतनी सारी चीज़ वेस्ट हो जाएगी, वो तो एक अलग लॉस है ही। तो थोड़ा सा जो परत है ना उसे ज़रा थिक रखिएगा। आप देख सकते हो सब्ज़ी दिख रही है पर उसके ऊपर आटा है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से सब्ज़ी मतलब कि आटा फट ही गया हो, पराठा फट गया हो, ऐसा कोई भी आप स्पेस आपके पराठे पे मत रखिएगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस पराठे को आप बहुत ज़्यादा अल्टा पलटा नहीं कर सकते हो, इसके साथ बहुत ज़्यादा यू नो प्ले अराउंड नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी उलटिए पलटिए, और बाकी वक्त जिस तरह मैं पैन हिला हिला के इसे सेक रही हूँ इस तरह पैन को शेक कर करके आपके पराठे को सेक लीजिए, क्योंकि जब आप बनाओगे ना तब आप महसूस करोगे बहुत पतली हो जाती है इसकी परत, एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे ये बनते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादा इसमें जो पलटा वगैरह है वो मत लगाइएगा वरना आपके पराठे टूट सकते हैं। और ये देखिए पराठे हो गए हैं तैयार, आप इन्हें घी, तेल, बटर जैसे चाहें वैसे सेकिए, स्वाद अति उत्तम होने वाला है, आपको पसंद आएगा आई एम श्योर। बस इसी तरह से मैं बाकी सारे पराठे भी बना लूँगी। शर्मा जी और बच्चे लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और ये है मेरी आज की सिंपल सी बट बहुत ज़्यादा डिलिशियस सी ब्रेकफास्ट थाली। ये है आलू पनीर चीज़ का पराठा, और साथ में है प्याज टमाटर की चटनी। बनाइएगा, आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। हालांकि ये चटनी आप किसी भी पराठे के साथ खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है, पर ये पराठा आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो बस यहाँ तक तो था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्लान हुआ कि हम सब लोगों को जाना है बाहर, सभी लोगों को हेयर कट की ज़रूरत थी, तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चारों ही चलते हैं एक साथ, थोड़ा फैमिली टाइम भी हो जाएगा और सबका हेयर कट भी हो जाएगा।
अच्छा वाला सलोन है, बरूडियंस A1 है इसका नाम, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा। तो शर्मा जी, और मेरा हेयर कलर भी था, बच्चे लोगों का हेयर वॉश था, तो चारों का हेयर कट और इन दोनों का वॉश और हम दोनों का कलर, ये था आज के एजेंडा में। और मैं आपको घर पहुँच के दिखाऊँगी कैसा कट रहा हमारा, कैसा कट कराया है। और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा नहा धो के चले आए थे यहाँ पर बालों को कटाने वटाने के लिए, तो लंच तो स्किप हो गया और यहाँ पे लग गए 3-4 घंटे। इस चक्कर में भूख लगने लगी सबको, तो हम लोग आए थे बाहर ही फिर लंच करने के लिए। और लंच डिसाइड हुआ साउथ इंडियन। शर्मा जी और बच्चे लोगों को साउथ इंडियन बहुत पसंद है, शर्मा जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मम्मी पापा को तो शर्मा जी से भी ज़्यादा पसंद है। कभी भी बात हो कि बाहर से कुछ खाना है, बाहर जाकर खाना है, बाहर से मंगा कर खाना है, तो मम्मी पापा की एक ही चॉइस होती है, वो है साउथ इंडियन फूड। बाय द वे, हम लोग आए थे यहाँ 22nd पैरेलल। अगेन, जो बड़ौदा में रहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, इनका साउथ इंडियन अच्छा होता है, आप चाहें तो ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हम सबके हेयर कट, शर्मा जी का हेयर कट साइड में दिखाओ, अच्छा लग रहे हैं। एरो, हंस क्यों रहे हो, अच्छे बने हैं बेबी, अच्छा है ना। हाँ, शर्मा जी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसे ना बोल दे कि मेरे बाल है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, छोटे हैं, और उसमें भी हेयर कट, इसलिए वो इस तरह हंस के अपना दुख छुपा लेते हैं। शानू, ये देखिए शानू का हेयर कट। बेबी थोड़ा साइड साइड से दिखाओ ना, अगर किसी आंटी को अपने बेबी के लिए कटवाना होगा तो, पर हेयर कट का नाम तो हमें पता ही नहीं क्या है। ये है अननोन हेयर कट। हाँ, स्टेप्स है ना ये, स्टेप्स नहीं, ना स्टेप्स नहीं है, उस अंकल ने सबके फेस के हिसाब से काटा। और खुशी, हाय हाय, आपका हेयर कट दिखाओ। गुड। और सानवी खुशी का कल लास्ट एग्जाम है, सिर्फ सानवी का। हाँ, खुशी के ओवर हो चुके हैं, सैटरडे को ही हो गए थे। और फिर वेकेशन कब से है? मेरी वेकेशन शुरू हो गई। तुम्हारी तो हो गई, मंडे को शुरू होगी, एज इन मंडे को जाना है, फिर वेकेशन है। और अभी मेरा हेयर कट दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है मेरा हेयर स्टाइल, मुझे पता नहीं इस हेयर स्टाइल को क्या कहते हैं, उस भैया ने अपने आप ही कि मेरे फेस पे क्या सूट करेगा उस हिसाब से काट दिया। बस मैंने उनको ये बोला था कि मुझे थोड़े शॉर्ट चाहिए, तो एक्चुअली पीछे से है ना, ये देखिए, तो पीछे से उन्होंने स्ट्रेट रखे हैं, और जितना भी लेयर्स या स्टेप्स हैं वो सिर्फ इतना इतने बालों में दिया है, तो मुझे तो अच्छे लगे, मुझे वैसे भी छोटे ही बाल चाहिए थे। तो मैंने बेसिकली करवाया है आज टचअप, जो मेरा रेगुलर है, आप जानते ही हैं, मैं हर 20-25 डेज में एक बार रूट टचअप कराती हूँ। और हेयर कट मैंने भी करवाया है, और हेयर कट मैं साल में 1 या 2 बार कराती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कराती, और हमेशा छोटे ही कराती हूँ। मुझे बड़े बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन खुद पर नहीं, सिर्फ देखने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि बड़े बालों के ना केयर बहुत करना पड़ता है, और मेरे बाल जब छोटे हैं तो घने लगते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना तो अचानक से कुछ एक लिमिट के बाद जब हाइट हो जाती है, बालों की लेंथ हो जाती है, तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं छोटे ही प्रेफर करती हूँ, थोड़ा मैनेज करना ईजी है। और मैंने नोटिस किया है, मैं हेयर कट कराती रहती हूँ तो मेरे हेयर फॉल कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज़ मैं कभी भी सोचूं कि मैं इस बार बहुत लंबे करने वाली हूँ तो हर बार यही होता है कि मेरा हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है और फिर मैं बाल कटवा देती हूँ। और मुझे एक आधा ना क्वेश्चन भी आया था कि आप इतना हेयर कलर कराती हो, क्या हेयर कलर बालों के लिए अच्छा है, नुकसान नहीं करता है? गाइस, किसी भी तरह के केमिकल आपके बालों के लिए नुकसान तो करते ही हैं, कोई केमिकल जैसे नहीं है जो बालों को बिल्कुल ही 100% सेफ हो। लेकिन आप जब भी कुछ कराते हो आपके बालों पे, तो बस थोड़ा सा उसकी देख रेख का ध्यान ज़्यादा दीजिए, माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, सबसे बड़ी बात है ऑयलिंग, ऑयलिंग नहीं करते हैं हम लोग आजकल, मैं खुद भी काफ़ी कम करती हूँ, तो ऑयलिंग करनी चाहिए। अब टाइम है कि मैं दीपक जलाऊँ और चाय बनाऊँ, तो बस अब मैं चाय बनाने लगूँगी, और उससे पहले मैं जला लेती हूँ दीपक।
तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, बनाऊंगी चाय और इसके साथ ही वक्त हो गया है इस व्लॉग को एंड करने का। तो बस लूंगी मैं आप लोगों से इजाज़त, मिलूंगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। आज के व्लॉग में दिखाई गई रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।